तो भाई साहब अगर वीडियोस पे ज्यादा व्यूज लाना है और वीडियो को वायरल करना है तो आपको थंबनेल तगड़ा बनाना पड़ेगा। जब वीडियो का थंबनेल तगड़ा रहेगा तब जाकर लोग आपके थंबनेल पे क्लिक करेंगे, तब जाके आपके वीडियो को देखेंगे, तब जाकर के आपके वीडियो पे व्यूज आएगा। ठीक, तो फ्रेंड आखिर में आप अपने वीडियो के लिए तगड़ा थंबनेल कैसे बनाओगे, एकदम अलग टाइप के अट्रैक्टिव थंबनेल कैसे बनाओगे, यही इस वीडियो में बताऊंगा। ठीक है, फ्रेंड आपको इसमें दो ठो एप्स को मिलाकर मैं आपको बताना हूँ। ठीक है, तो फ्रेंड एकदम आसान सा तरीका है, मात्र 5 मिनट में एक सबसे अलग तगड़ा थंबनेल बना सकते हो। ठीक है ना, तो फ्रेंड आखिर में उसको कैसे कैसे बनाना है ये सब आगे आपको इस वीडियो में बताऊंगा। ठीक है, तो फ्रेंड वीडियो बनाना, वीडियो को लास्ट तक ना, और हमारे चैनल पर रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन ऑन करना, ताकि जो भी मैं ऐसे वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक जाए। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड मेरे वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो फ्रेंड आपको करना क्या है, सिंपली आपको एक एप्लीकेशन प्ले स्टोर पर डाउनलोड करना है। ठीक है, मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये रहा मेरा प्ले स्टोर। ठीक है ना, इसको सिंपली ओपन करते हैं। ठीक है ना, ओपन करने के बाद आपको यहाँ पे सर्च में आना है, CANVA। ठीक है ना, इतना दाबेंगे तो आपके सामने आएगा यहाँ पे एक कैनवा। ठीक है, तो सिंपली इसी पे क्लिक कर देना है, ये यहाँ पे आ चुका है। ठीक है, तो फ्रेंड यही है कैनवा एप्लीकेशन, तो सिंपली आपको इसी को इंस्टॉल करना है, और इंस्टॉल करने के बाद आपको एक बार बैक करना है। ठीक है ना, और यहाँ पे मैं बैक आ चुका हूँ, तो अब हम इसको सिंपली ओपन करेंगे। ठीक है, ये रहा मेरा यहाँ पे कैनवा एप्लीकेशन, इसको सिंपली ओपन कर लेंगे। ठीक है ना, इसको ओपन करने के बाद आपको मतलब कि बहुत ही बढ़िया फीचर्स देखने को मिलेगा। ठीक है, तो फ्रेंड थोड़ा सा वेट करते हैं इसको। तो फ्रेंड आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये यहाँ पे ओपन हो चुका है। ठीक है, और ओपन होने के बाद आपको सिंपली करना है कि यहाँ पे सर्च में आना है, ऊपर इस पर क्लिक करना है। ठीक है, और इस पर क्लिक करने के बाद आपको लिखना है क्या यहाँ पे, यूट्यूब थंबनेल, YOU यूट्यूब थंबनेल यहाँ पे लिख देना है। ठीक है ना, थंबनेल यहाँ पे लिख देना, और लिखने के बाद आपको सिंपली यहाँ पे सर्च पे इस पर क्लिक कर देना है। ठीक है ना, इस पर क्लिक करने के बाद आपको थोड़ा सा वेट करना है, तो यहाँ पे ओपन हो चुका है। तो फ्रेंड आप जिस भी कैटेगरी के वीडियोस बनाते हैं उस टाइप का थंबनेल का जो बैकग्राउंड है यहाँ पे आपको लोड करना है। ठीक है, जैसे कि मान लो कि ये होगा, बहुत सारा इसमें आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है ना, तो आप कोई भी इसमें डाउनलोड कर सकते हैं। फ्रेंड आपको यहाँ पे ये वाला जो दिखाई दे रहा है ना, ये वाला एक टोपी का निशान दिखाई दे रहा है, तो ये वाला आपको मतलब कि लोड नहीं हो पाएगा। ठीक है, ये मतलब कि इसको लोड करने के लिए आपको पैसा पे करना पड़ेगा, तब का लोड हो पाएगा। ठीक है, जो फ्री है तो वो आप लोड कर सकते हैं। जैसे कि मान लो कि मैं आपको एक करके दिखाता हूँ। ठीक है ना, ये हो गया एक गेमिंग चैनल के लिए। ठीक है, इस पर सिंपली क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस खुल के आएगा। ठीक है, देख सकते हैं, तो यहाँ पे आ चुका। तो आपको करना क्या है, सिंपली यहाँ पे इस पर अगर आप अपना फोटो डालना चाहते हैं, सिंपली इस पर क्लिक करेंगे, इसका फोटो को यहाँ पे डिलीट कर देंगे। ठीक है, इसका फोटो डिलीट हो चुका है, और करना क्या है यहाँ पे जो लिखा वगैरह है, ठीक है, इसको सिंपली हम डिलीट कर देंगे, अपने हिसाब से कुछ लिख लेंगे। ठीक है ना, यहाँ पे डिलीट हो गया, इसको भी डिलीट कर देंगे। ठीक है, इसको भी डिलीट कर देंगे, ये हो गया एकदम से पूरा तरह से डिलीट कर देंगे। ठीक है ना, इसको भी डिलीट कर देंगे। ठीक है, इसको भी डिलीट कर देंगे, और ये सब डिलीट करने के बाद आपको सिंपली इसको सेव कर लेना है। ठीक है ना, मतलब एक हो गया आपका एक बैकग्राउंड बना बनाया बैकग्राउंड मिल गया। ठीक है, इसको सेव करना है, इस पर क्लिक कर देना है। ठीक है ना, और ये हो जाएगा सेव, यहाँ पे डाउनलोड पे क्लिक करना है, तो ये हो रहा है सेव। ठीक है ना, तो सेव करने के बाद आपको सिंपली थोड़ा वेट करना है। ठीक है, तो फ्रेंड ये आपके गैलरी में सेव हो चुका है। ठीक है, तो आपको सिंपली चलना है अपने पिक्सल ऐप में। ठीक है, जहाँ पे आप थंबनेल बनाते हैं, पिक्सल में जाना है, इस पर क्लिक करना है। ठीक है, इस पर क्लिक करने के बाद आपको थोड़ा वेट करना है। ठीक है ना, ये ओपन हो रहा है, और जैसे हम करते हैं इसको डिलीट कर देना है। ठीक है, डिलीट करने के बाद आपको यहाँ पे 3 बिंदु पे क्लिक करना है, इमेज साइज पे क्लिक करना है, और यहाँ पे कस्टम पे क्लिक करके यूट्यूब थंबनेल को सिलेक्ट करना है। ठीक है, और ओके पे कर देना है। ठीक है ना, इतना करने के बाद आपको यहाँ पे प्लस वाला आइकन पे क्लिक करके उस फोटो को यहाँ पे ले लेना है। ठीक है, फ्रॉम गैलरी पे क्लिक करना है, और यहाँ पे जो फोटो डाउनलोड किए हैं इस पे ले लेना है। ठीक है ना, और लेने के बाद यहाँ पे सही वाला ऑप्शन पे क्लिक कर देना है, और इसको फुल स्क्रीन पे करने के लिए इस पे क्लिक करना है। ठीक है ना, और यहाँ पे थोड़ा इधर करना है, और यहाँ पे इस पे क्लिक करके इसको पूरा ऐसे प्लस कर देना है, ये हो जाएगा फुल स्क्रीन। ठीक है ना, अब आपको करना है क्या, यहाँ पे जो भी मतलब कैटेगरी का वीडियोस बनाते हैं, जो भी वीडियोस बनाते हैं, तो उसके लिए आपको थंबनेल में एक फोटो लगाना है, तो उसके लिए प्लस वाला आइकॉन पे क्लिक करना है, फ्रॉम गैलरी पे क्लिक करना है। ठीक है, तो फ्रेंड जैसे कि मैं ये अपना एक फोटो लेकर दिखाता हूँ। ठीक है ना, इस फोटो पे क्लिक करेंगे, और फोटो पे क्लिक करने के बाद इसको सिंपली यहाँ पे जो आपको इसको गोल बनाना है ऐसे करके। ठीक है ना, और सिंपली इसको छोटा करना है, इतना करके ऐसे करके लगाना है। ठीक है, इतना ही लगाना है, और इसको सिंपली यहाँ पे सही ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। ठीक है, तो ये आ जाएगा, तो इसको सिंपली छोटा करके इसके साइज पे यहाँ पे हम ऐसे बैठा लेंगे। ठीक है ना, ताकि यहाँ पे एकदम अच्छी तरह से सूट हो जाए। तो फ्रेंड आप अब देख सकते हैं यहाँ पे सूट हो चुका है। ठीक है, अब आपको जो भी इसमें लिखना है, अपना नाम जो भी लिखना है, जिस भी थंबनेल के लिए जो भी टॉपिक रखना है, तो आसानी से आप इस पर रख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद अगर आप इस पर कुछ लिखना चाहते हैं तो उसके लिए इस पर क्लिक करना है, और यहाँ पे टेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। ठीक है ना, और इसको यहाँ पे ऐसे ला देना है, और इस पर 2 बार टैप कर देना है। ठीक है, 2 बार टैप करने वाले पे आ जाएगा, इसको सिंपली काट देना है, और कुछ भी लिखो, मैं जैसे मान लो अपना नाम लिख रहा हूँ राहुल कुमार, जिसमें सिर्फ मैं अपना नाम राहुल लिख लिया, राहुल आने के बाद ठीक है इसको ऐसे बड़ा कर लेंगे। ठीक है ना, और बड़ा करने के बाद आपको सिंपली करना क्या है, इसके अब फॉन्ट को चेंज करना पड़ेगा। ठीक है ना, तो यहाँ पे थोड़ा इधर आएंगे। ठीक है, और यहाँ पे दिखाई देगा फॉन्ट, इस पर क्लिक कर देना है,
और आपको जो भी फॉन्ट अच्छा लगे आप रख सकते हैं इसमें, जो भी फॉन्ट अच्छा लगे। तो भाई साहब मैं ये वाला फॉन्ट यहाँ पे रख लेता हूँ, ठीक है ना, ये रहा ये वाला फॉन्ट रख लेता हूँ। ओके पे क्लिक कर देना, ठीक है। और यहाँ पे जैसे कि मेरा नाम आ गया, ठीक है ना, और यहाँ पे जैसे कि मेरा नाम आ गया, ठीक है, फॉन्ट चेंज कर लिया। तो ऐसे ही करके साइंस से आपने मतलब कि थंबनेल में फोटो लगा सकते हैं, इसमें कुछ लिख सकते हैं, अपने हिसाब से जो लिखना है लिख सकते हो, ठीक है ना। तो ऐसे करके साइंस आप थंबनेल बना सकते हैं। तो अब थंबनेल बनाने के बाद इसको सेव कैसे करना है, उसके लिए इस पर क्लिक करना है, सेव एज वीडियो पे क्लिक करना है और इसको सिंपली यहाँ पे सेव टू गैलरी पे क्लिक कर देना है, ठीक है। तो ये हो जाएगा सेव। तो फ्रेंड मैं उम्मीद करता हूँ कि मैं जी इस वीडियो आपको बताऊँ आपको काफ़ी अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। और आपकी वीडियो से वीडियो को एक लाइक करना और हमारे चैनल पर देखिए चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को ऑन कर लेना।